तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, ये एक चीज दरिद्रता दूर हो जाएगी, धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह का महत्व, तुलसी विवाह का मुहूर्त तथा तुलसी विवाह की विधि। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को तुलसी के एक बहुत ही रहस्यमयी मंत्र के बारे में बताया है। तुलसी विवाह के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से उसी क्षण व्यक्ति के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का अंत हो जाता है। यह मंत्र आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसीलिए तुलसी विवाह के पश्चात इस छोटे से मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। दोस्तों, कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और एकादशी का व्रत आता है, जिन्हें करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है, जिसके बाद द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। इसे त्योहार को हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। यह दिन सभी विवाहित दाम्पत्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और तभी से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसीलिए सबसे पहला मांगलिक कार्य भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार तुलसी का विवाह इस बार 24 नवंबर को ही होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह करने की सही विधि, तुलसी विवाह के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और जानेंगे तुलसी के पौधे में कौन कौन सी चीज बांधनी चाहिए, और जानेंगे तुलसी माँ का वह मंत्र जो मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिय है, इसीलिए परम पवित्र है, वह संपूर्ण जगत में पूजनीय है, परंतु इनकी पूजा कब करनी चाहिए, तुलसी जी का विवाह कैसे करना चाहिए तथा किस मंत्र का उच्चारण करने से ये देवी प्रसन्न होती है। इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी पूजन तथा तुलसी विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जो आप सभी को अवश्य जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर की स्त्री नित्य तुलसी का पूजन करती है और उसे जल अर्पण करती है, उसके घर से दुख दरिद्रता कोसों दूर रहती है, उसके घर में सदैव ही देवी लक्ष्मी का वास रहेगा। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उनकी दरिद्रता का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से जिसे पत्नी न हो उसे पत्नी मिल जाती है, जिसे संतान न हो वह पुरुष पुत्रवान बन जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है, एवं पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह करने पर दंपति जीवन में सुख शांति आती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी महालक्ष्मी की अवतार है, वहीं शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तुलसी का विवाह करते समय शास्त्रों में बताई गई विधि का ही पालन करना चाहिए, तभी यह विवाह संपन्न होता है। इससे घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चिरकाल तक वास रहता है। सबसे पहले जानते हैं तुलसी विवाह के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात है कि तुलसी विवाह के दिन घर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रखें, घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, तुलसी के पौधे के पास स्वच्छता रखें और रंगोली बनाकर उसे अच्छे से सजाएं। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। पुरुषों को तुलसी पूजा के दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा सेवन से बचना चाहिए। नशे की हालत में तुलसी के पौधे के पास भूल से भी न जाए, इससे तुलसी नाराज हो जाती है। यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है, ऐसी तामसिक अवस्था में तुलसी के पास जाना पाप माना गया है। तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी शारीरिक संबंध स्थापित ना करें। अगर ऐसा कोई अपवित्र कार्य किया है तो स्नान करके ही पवित्र होकर तुलसी का विवाह संपन्न करें। बिना स्नान किए तुलसी के पौधे के पास ना जाए और भूल से भी बिना नहाए तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें।
इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्र तोड़कर रखे और फिर पूजा में इनका प्रयोग करे। तुलसी के पत्र तोड़ते समय तुलसी मैया से क्षमा मांगते हुए तोड़े। तुलसी विवाह के दौरान मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार ना आने दे। मन को साफ और स्वच्छ रखकर ही तुलसी की पूजा करे। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करे अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। तुलसी जी का विवाह करते समय तुलसी को सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखे और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करे। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। तुलसी का विवाह शाम के समय करना ही सर्वोत्तम होता है। तुलसी के गमले के पास गन्ने रखकर मंडप बनाया जाता है। इसके बाद तुलसी के पास शालिग्राम रखकर तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। विवाह के दौरान तुलसी और शालिग्राम पर अक्षत और फूल डालने चाहिए। विवाह के सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद में तुलसी पत्र डालकर उन्हें भोग लगाए। उसके पश्चात 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। तो इस प्रकार से आप तुलसी का विवाह संपन्न करें। तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। वह मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावनये स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने मात्र से उसी क्षण व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता समाप्त होकर अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी जी का विवाह अवश्य संपन्न करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां तुलसी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।